सही सती परमात्म मादशान मुग्धान कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतम गदरम वा वा गदीशम शिवम वा चित भवभिवंदे भासुरम श्रीजिनम एक हजार आठ श्री महावीर भगवान की बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सागर जी महाराज की जैन धर्म की धर्मानुरागी महानुभाव हमारा यह भारत देश तीर्थंकर और संत पुरुषों का देश है लेकिन इस देश में भी इस प्रकार की घटनाएं जब घट जाती है जबकि देश ने आज़ादी प्राप्त की है महात्मा गांधी ने भी सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद कराया था और हमारे तीर्थशंकर पुरुष तो सत्य अहिंसा की ही बात नहीं करते आचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह रहितता की बात भी करते बंधुओं हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद चुनाव पद्धतियों से चुनी हुई सरकार काम करती है <coughs> आज ये बात सुनकर के बड़ा हर्ष आया कि एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता महोदय धर्म सभा में उपस्थित हैं हमारे तीर्थंकर देवों की धर्म सभा जो समोसरण नाम से कही जाती है उस समोसरण सभा में बिना प्रवक्ता के कार्य नहीं होता और भगवान स्वयं तो केवल ज्ञानी हैं वीतरागी हैं सर्वज्ञ हैं किंतु उनकी वाणी के प्रवक्ता भी जो हैं वो भी महाज्ञानी होते हैं प्रवक्ता वही हो सकता है जो अपनी बात कहने से पहले उसका परिपालन उसके जीवन में होता हो हम ये कहना चाहते हैं गोविंद वल्लभ जी आज हमारी धर्म सभा में आए हैं और प्रवक्ता वे प्रवक्ता पद पर स्थित हैं प्रवक्ता वही होता है जो अपनी बात तो बाद में कहता है अपनी बात को मिलाकर के जरूर कहता है किंतु वह सर्वजन हिताय बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है बंदों गणधर भगवान भी यही करते हैं जो तीर्थंकर देव की वाणी खिरती है उस तीर्थ देव की वाणी में जो कुछ जन सामान्य के लिए कहा गया है मानवता के लिए कहा गया है अपने जीवन को नैतिकता की ओर मोड़ने के लिए कहा गया है उन बातों को वो आम जनता के पास तक पहुंचाते हैं वैसे समोषण सभा में तो तीन निकाय के जीव होते हैं त्रियंच भी वहाँ पर होते हैं देव भी होते हैं और मनुष्य भी होते हैं और ये आश्चर्य की बात है कि जिसे अतिशय कहा जाता है जैन धर्म में वो अतिशय है भगवान की वाणी का कि उनकी वाणी में 18 महाभाषा और सात सौ लघु भाषा गर्भित होती है समोस्राण में बैठे हुए असंख्यात प्राणी हैं देवगण हैं वे अपनी भाषा में भगवान की बात को समझ लेते हैं स्त्रियंश अपनी भाषा में समझते हैं और मनुष्य अपनी भाषा में समझते हैं बंधुओं मानवता की जहाँ बात है तो वास्तविक बात तो यही है जैसा कि प्रवक्ता जी ने कहा कि वर्तमान में देश का वातावरण कुछ ऐसा बनता जा रहा है जहाँ मानवता प्रतिकूल होती जा रही है मानवता के कि प्रति किसी का लक्ष्य नहीं है मानव अवश्य है लेकिन मानवता क्या होती है इस बात को भूलते जा रहे हैं हम लोग हो सकता है कि किसी स्वार्थवश उस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया हो लेकिन ऐसा कार्य चरम सीमा की हिंसक प्रवृत्ति का द्योतक है क्योंकि पशुओं की हिंसा तो देश में हो रही है होती है धर्म के नाम पर भी होती है लेकिन धर्म के नाम पर किसी जीव को सताना किसी के प्राण हरण करना ये उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारा देश तो धर्मपरायण देश है बंधुओं आप सभी लोग इस बात को अनुभव किए हैं दुख भी आप लोगों को हुआ है लेकिन मात्र दुख मनाने से काम नहीं होगा अपने मन को इस रूप में तैयार करना होगा कि हे भगवान हम आपसे यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में मानवता बनी रहे और मानवता के कार्य हम करते रहें आज एक कार्य संपन्न करने वाले संस्था के लोग आए हैं चिकित्सालय रोगियों के लिए होता है और वहाँ पर चिकित्सा की जाती है रोगी के रोग को दूर करने के लिए हमारे जीवन में भी रोग लगे हुए हैं चिकित्सालय भी यहाँ पर है ऐसी बात नहीं है उदयपुर में चिकित्सालय आया हुआ है महाराज हमारे उदयपुर में बहुत सारे चिकित्सालय हैं अब आप एक चिकित्सा की बात चिकित्सालय की बात कर रहे हैं हम क्या करें पर संसार का प्रत्येक पुरानी रोगी है जो घटना भी है वह उसी रोग का प्रतिफल है उस रोग के कारण उस रोगी ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है बंधुओं चिकित्सालय में जाकर के डॉक्टर जो होते हैं चिकित्सक होते हैं वे लोग रोगी का इलाज करते हैं लेकिन अपन सभी इस बात को जानते हैं सामान्य रोगों की बात तो अलग है रोगी जाकर के ही डॉक्टर के पास चिकित्सा की बात समझ करके के आता है और अपने घर में भी उसकी चिकित्सा कर लेता है रोग सामान्य है। लेकिन विशेष रोग होने पर व्यक्ति चिकित्सालय के शरण में जाता है और उसके साथ साथ वहाँ पर उसके परिवारजन या उसके मित्रजनों में भी कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके भीतर मानवता होती है हमें एक उदाहरण याद आता है एक व्यक्ति अत्यंत रूप से बीमार हुआ और उसे उसके गांव से उसके नगर से अन्य नगर में ले जाया जा रहा था उसका बचना संभव नहीं था उसके बचने की संभावना नहीं होने वाली बात को जान करके उनके एक मित्र ने चलती गाड़ी में जिस इंजेक्शन की आवश्यकता थी उस चलती गाड़ी में उस गाड़ी का पीछा करके उस गाड़ी में उस व्यक्ति ने उसको इंजेक्शन दिया उस इंजेक्शन से उसके प्राण बचे वो अस्पताल तक जा सका अन्यथा वो रास्ते में समाप्त हो जाता ये मानवता होती है व्यक्ति अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी एक मानव एक मानव का संहार होते देख करके महामानव का संहार हुआ है मानव नहीं महामानव का संहार इस प्रकार हुआ इस बात को अपने दिल में अच्छी तरह बिठाना चाहिए और अपने नैतिकता को प्राप्त करना क्योंकि ये नैतिकता नहीं थी नैतिकता तो यह होती है कि जो अपने अपने स्वार्थ के बस किसी के प्राणों को किसी के प्रकार का कष्ट भी हो तो उस कष्ट को दे नहीं देना ये नैतिकता कहती है हमारी तो हमको अपने जीवन में जो कुछ घटा है वो तो घट चुका है वो तो वापस आ नहीं सकता हमारे महान शांति सागर जी महाराज जो कि प्रथम आचार्य के रूप में हुए थे उनके ऊपर तो और मुनियों के ऊपर तो अनेक प्रकार के उपसर्ग आते हैं वो उपसर्गों को सहन भी करते हैं और उपसर्ग आने पर उपसर्ग करने वाले को जब अपराधी मान करके सजा देने वाले लोग जो अधिक हमारे पुलिस अधिक जो हैं वो उनको गिरफ्तार भी कर लेते हैं लेकिन मानवता तो उसे ही कहते हैं वो महामानव हैं और शांति सागर महाराज ने जब उनके ऊपर उपसर्ग आया उनका सारा संघ समाप्त तो हो सकता था सारा संघ समाप्त तो हो सकता इतना बड़ा उपसर्ग आया था लेकिन उनकी दूरदर्शिता ने पहले तो अपने संघ की रक्षा की संघ को ये कहा कि आज कमरों से बाहर बैठ कर के कोई सामायिक नहीं करेगा और जब ये लोग आए तलवारें उनके हाथ में थी तो इस बीच पुलिस ने आकर उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस आकर के महाराज से पूछती है कि महाराज इन अपराधियों को क्या सजा दें हम तो मुनि महाराज ने कहा आचार्य महाराज ने कहा कि भैया हम ये सज़ा देना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात ये कि इनके कर्तव्य को जो ये करने के लिए तैयारी की थी इन्होंने उस कर उस कर्तृत्व तो को उस कर्तव्यों तो को हम तो भूल गए हैं उसके लिए हम क्षमा करते हैं और यही सबसे बड़ी इनकी सज़ा है कि इनको क्षमा करके छोड़ दिया जाए बताइए एक अब उनका शरीर उनका मुनि महाराज का शरीर ही समाप्त तो हो गया तो किसको समा करेंगे और क्या करेंगे लेकिन वो बहुत बड़ा कांड हुआ है आज देश में सबसे पहली घटना है वो सुनने में हमारे जो आई है वो पहली घटना है कि एक मुनि महाराज के साथ ऐसा किया गया जो कुछ लेते नहीं हैं एक समय भोजन करते हैं एक समय और बाद बाकी सारा काम धर्म अध्यान वगैरह में व्यतीत करते हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होना ये अच्छी बात नहीं है देशवासियों को क्या सारी सरकार को इस बात को सोचना चाहिए पशु तो अनेक कट रहे हैं पशुओं के वो भी जीव हैं वो भी प्राणी हैं लेकिन उनके लिए कोई चिंता नहीं करता हमारे जीवित पशुओं का निर्यात हो रहा है हमारे देश से ये कितनी बड़ी बात तो ऐसी बात प्राणी मात्र के प्रति जैन धर्म तीर्थंकर भगवान का धर्म और तीर्थंकर भगवान की वाणी तो प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा और आ, का व्यवहार करने की बात करती है एक छोटे से जीव को भी मुनिराज जो होते हैं वो ये मयूर पिछी इसीलिए रखते हैं कि इसके साथ छोटे से छोटा जीव भी रक्षित तो हो सकता है इसकी कोमलता इतनी है कि इस कोमलता से इतनी छोटे से छोटे जीव की रक्षा की जा सकती है तो आज हमारे देश में पंचेंद्रीय परिस और मनुष्यों का संवार होना ये अच्छी बात नहीं है हम तो यही कहना चाहेंगे प्रवक्ता महोदय से कि हमारी बात अपनी आपके द्वारा सरकार तक पहुंचाने का या जो भी इससे संबंधित रहें उनके लोगों तक पहुंचाने का पुरुषार्थ रहे आपका और आप करें कि भैया हमारा देश जो है सत्य और अहिंसा के बल पर आज़ाद हुआ है पर स्वतंत्र भारत में आधाताई लोग पैदा हो गए हैं इन आधाताइयों से अपनी रक्षा कैसे की जाए इस पर सरकार भी विचार करे हमारा हाँ केवल मुनि महाराज की बात नहीं है प्राणियों प्राणी मात्र की बात है प्राणी मात्र आ, हिंसक व्यवहार से हिंसक आचरण से खान पान ऐसा होता जा रहा है मानवता कैसी रहेगी जब हिंसा के आधार पर हमारा जीवन चलाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं जहाँ पशुओं की हिंसा हो रही है और उस हिंसा से हम अपना जीवन चलाते हैं उन उस जीवन से हम कैसे मानवता प्राप्त कर सकते हैं खान पान हमारा अहिंसक नहीं रहा तो हिंसक हिंसा के माध्यम से हम अपना आहार व्यवहार करेंगे और उससे हम चाहें कि हमारे जीवन में मानवता रहे और नैतिकता आए ये संभव नहीं है इसके लिए तो सभी लोगों को सरकार को भी और देश में रहने वाले देशवासियों को भी इस बात पर विचार करना होगा और अपने जीवन को ठीक बनाने के लिए अपने खान पान आदि को शुद्ध बनाना होगा अहिंसक खान पान आप करें शाकाहार से अपना जीवन चले मांसाहार इस देश में नहीं हो यही बात हमारी है हम इसी बात को कहना चाहते हैं हमारे शंकर भगवान ने भी यही कहा गणधर प्रभु ने भी उनकी बात को हम तक पहुंचाने का जो प्रयत्न किया वो यही बात थी कि जीवन सबका अनुव्रत जी रूप और महाव्रत रूप हो सत्य अहिंसा का सर्वथा त्याग मुनि महाराज कर सकते हैं लेकिन गृहस्थ भी अपने जीवन में सत्य अहिंसा चौरी आदि का परिपालन करते हुए परिग्रह की परिमाण सीमा बनाए आप अपने जीवन का जिससे उद्धार हो सकता है हमारे आचार्य गुरुदेव जो थे जब वो अपने गांव को छोड़कर के इंदौर शहर में गए व्यापार करने के लिए तो उन्होंने देखा कि जिस पहले तो नौकरी की उन्होंने जिस मिल में हिंसा इतनी अधिक होती है कपड़ा बनाने की में मैं ऐसे मिल में काम नहीं करना अपने जीवन को उन्होंने छोड़ वहाँ से नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ कर के उन्होंने अपने कंधे पर कपड़े रख कर के भोजन उनका हो जाता भोजन के बाद हो जाते उसके पहले नहीं अपने देव पूजा आदि का कर्तव्यों से निवृत्त तो होने के बाद वे कपड़े अपने कंधे पर रख करके के जाते और एक रुपया एक रुपया उनको मिल जाता लाभ में तो एक रुपये का वो सोचते आज का दिन तो हमारा एक रुपये में चल जाएगा हम भाई और बहन दोनों आराम से एक रुपये में भोजन कर सकते हैं। उस जमाने की बात है तो बंधुओं हमारे जीवन में सुख चाहिए ये बात आवश्यक है लेकिन सुख के लिए हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य भी करें जिससे कि सुख मिले परिसीमाएँ हमारी हो परिग्रह की सीमाएं हो और हमारे कारण दूसरे लोगों पर किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे इस बात का ध्यान रखते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को जीने का प्रयत्न करें मानवता को अपनाएं और नीति से चलने का आपका जीवन बने इन्हीं मंगलमय भावना के साथ मंगल आशीर्वाद आप सब